गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा आज आप दिते हुए थोड़े होमवर्क विचले लैसन श्री गुरु अर्जन देव जी पाठ नंबर 4 और पाठ नंबर 10 हरियावल दे बीज दिया अच्छे रिविजन करांगे दोहराई करांगे यह दोनों चैप्टर थानू कल होमवर्क दे बीच लर्न करन ली दिते सीगे रिवाइज करके ओनली बोलिया सीगा सो सारे बच्चों ने अपनी बुक कॉपी जो भी है वो बंद कर देनी आ सिर्फ हैंड रेज करनी आ जिस भी बच्चे नूं मैं पूछूंगी वो आके इत्थे फ्रंट ते आंसर देगा क्लियर बेटा जी सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गुरु अर्जन देव जी सिख धर्म दे किन्नवें गुरु होए हन वेरी गुड शाबाश सारे बच्चों के हाथ खड़े आ बेटा देखो जो तुम इदा रिविजन करके आते हो ना तो टीचर भी खुश होंगे कि बच्चे भी पढ़ के आए आ हाँ जी बिल्कुल सही किनवें गुरु होया गुरु साहिबान वेरी गुड श्री गुरु अर्जन देव जी दी माता का की नाम सी वेरी गुड श्री गुरु महीर इतने आओ बेटा उधर दी आओ बोलो श्रीमती माता पानी उधर मुंह करके सामने बोलना श्रीमती माता पानी बीबी पानी जी की नाम सीगा बीबी पानी श्री गुरु अर्जन देव जी दे पिता जी दा की नाम सी पिता दा की नाम सी वेदांश मास्क उतारो उतार के बोलो श्री गुरु रामदास जी की नाम सीगा पिता दा श्री गुरु रामदास जी एक किन्नवें गुरु साहिबान सीगे वेरी गुड गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों ते किथे होया सी गुरु अर्जन देव जी का जन्म कदों ते किथे होया सी हर्षदीप नो गुरु अर्जन देव जी का जन्म गोविंदवाल विच 15 अप्रैल 1563 नू होया सी वेरी गुड हाँ जी गुरु अर्जन देव जी ने किन्ने भरा सन गुरु अर्जन देव जी दे किन्ने भरा सन ते उन्हां दे नाम दसो मन्नत श्री गुरु अर्जन देव श्री गुरु अर्जन देव जी दे दो भरा सी पृथ्वी चंद ते महादेव वेरी गुड क्लैपिंग करो लिखो ते दो भरा सन पृथ्वी चंद ते महादेव महादेव हमेशा ही उदास रहन वाले सीगे पृथ्वी चंद थोड़ा जिहा लालची सी जदों श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी ते बिठाया गया तां पृथ्वी चंद ने बहुत सारिया मुश्किलां उन्हां दे सामने खड़िया कर गुरु अर्जन देव जी आप ही करते रहे सन गुरु अर्जन देव जी दी शाहकार रचना केड़ी है गुरु अर्जन देव जी दी शाहकार
सुखमणि साहिब। हां जी लिखो सुखमणि साहिब। सुखमणि साहिब पता ना आप पाठ भी करते हैं ना सुखमणि साहिब का जिन्हों की क्या जानता है सुखां दी मणि। गुड। श्री गुरु अर्जन देव जी ने किन्ने रागा विच बाणी रची सी? श्री गुरु अर्जन देव जी ने मास्क ला के बेटा। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 30 रागा विच बाणी रची सी। लिखो थे श्री गुरु अर्जन देव जी ने सुखमणि साहब दी रचना कीती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रचना करवाई भाई गुरदास जी दे नाल ते आप उन्होंने 30 रागां दे विच बाणी रची सी। वेरी गुड बेटा जी। श्री गुरु अर्जन देव जी दी बाणी दा प्रमुख विषय की हुंदा सी? श्री गुरु अर्जन देव जी दी बाणी दा प्रमुख विषय की हुंदा सी? तुहानू अंडरलाइन करवाई सी ना ये लाइन। श्री गुरु अर्जन देव जी दी प्रमुख बाणी दा विषय प्रेम प्यार भगती सिमरन ते मनुखता नाल हमदर्दी हुंदा सी। श्री गुरु अर्जन देव जी नू गुरु अमरदास जी ने की वार दिता सी? श्री गुरु अर्जन देव जी नू श्री गुरु रामदास जी ने अमरदास जी ने सॉरी की वार दिता सी? हाँ जी चलो देते दोथा बाणी का पोथा। मास्क ला के बोलो दोथा बाणी का पोथा। लिखो उपदेश दिता उन्होंने वार दिता सीगा कि दोता बाणी दा पोता मीन्स कि मेरा दोता मतलब धी दा पुत्र सारी बाणी नू इकट्ठी करके एक धार्मिक किताब दे रूप विच ओदी संपादना करवाएगा। इसे लई श्री गुरु अर्जन देव जी ने उस वार नू सफल सिद्ध कर दिया होया श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी रचना करवाई सी। वेरी गुड जतिन। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी संपादना दा काम कदों पूरा होया? श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी संपादना दा काम कदों पूरा होया? मिलन 1604 ईस्वी विच। कदों होया सी? 1604 ईस्वी विच। लिखो श्री हरमंदर साहिब दी नी किसने रखी सी? श्री हरमंदर साहिब दी नी किसने रखी सी? श्री गुरु रामदास जी ने। उन्हां दे नाम ते बनिया सीगा इही। इको हिंट हिंट दिनी आ थानू मुस्लिम फकीर सीगे। हाँ साईं मियां मीर जी तो साईं मियां मीर जी तो उन्हां दी साईं मियां मीर जी तो लिखो साईं मियां मीर जी तो रखवाई सी। और हरमंदर साहिब दे थानू बेटा सब नू पता कि चार दरवाजे आ मतलब हर धर्मां दे हर जात वर्ग दे लोग उत्थे आके नतमस्तक हो सकदे आ मत्था टेक सकदे।
श्री गुरु अर्जन देव जी नू किस दे पुंछ मन्या जांदा है? श्री गुरु अर्जन देव जी नू किस दे पुंछ मन्या जांदा है? गुरबाणी ते शांति दे। किस दे पुंछ मन्या जांदा है? गुरबाणी ते शांति दे। सब तो पहला सिख इतिहास विच शहीदी दी परंपरा किसने चलाई सी? सब तो पहला सिख इतिहास विच शहीदी दी परंपरा किसने चलाई सी? हां जी, किसने चलाई सी? बोलो। गुरु अर्जन देव जी ने। लिखो। इनानों तस्ती तवी ते बिठाया गया सी, गरम रेत इना दे ऊपर पाई गई सीगी। इनानों इस्लाम धर्म कबूल करन ले कहा जांदा सी, पर कहिंदे गुरु जी ने कोई भी जुलम दा विरोध नहीं कीता सीगा। हर जुलम नू इना ने गुरु दा पाणा मन के बर्दाश्त कीता सी, ते पर अपना सिखी सिदक नहीं छड्या सी, इस्लाम धर्म नहीं कबूल किता सी। अगला चैप्टर है अपना हरियावल दे बीज। हरियावल दे बीज कहानी दा लेखक कौन है? हरियावल दे बीज कहानी दा लेखक कौन है? बिल्कुल सही, कर्नल जसबीर पुल्लर। कर्नल जसबीर पुल्लर इस कहानी दा लेखक है। फकीर ने लोकां नूं अन्नेवा रुख कटदियां देख के की कहा सी? फकीर ने लोकां नूं अन्नेवा रुख कटदे देख के की कहा सी? हां जी, हैंड रेज करो। फकीर ने कहा सी कि एता दा तुसी अपने आप नू उजाड़ लेना है। जरखेज शब्द दा की अर्थ है? जरखेज शब्द दा की अर्थ है? फिर बोलो, फिर लिखो। लिखो। लिखिया ना विच के जिनी भी जरखेज मिट्टी सीगी, हड़ दा पानी सब नू बहा के लै गया सी। अणक्यासे शब्द दा की अर्थ है? अणक्यासे शब्द दा की अर्थ है? अनजान। हाँ, अनजान थामा मत। लिखो।
मतलब कि पता नहीं सीगा वो जड़ा हवा दा चक्कर सीगा जड़ा दा वेग सी वो चीज़ा नू लोका नू किथे दी किथे पहुंचा रहा सी। भिखू दे पुत्र दा की नाम सी? हाँ जी, भिखू दे पुत्र दा की नाम सी? लिखो की नाम सीगा? आलम। भिखू दे परिवार दी रक्षा किसने कीती सी? भिखू दे परिवार दी रक्षा किसने कीती सी? किसने कीती सी? परिवार की रक्षा एक रुख ने की थी। एक रुख दे टहनियां ने की थी। लिखो क्योंकि वो रुख दिया उस टहनियां दे विच जकड़े गए सीगे। इंज लगदा सीगा जिवें किसी ने उन्हां नू जफी विच लिया होवे जां कलावे विच रोकिया होवे। भिखू ने उत्थे पानी लब्भण लई की कीता? भिखू ने उत्ते पानी लब्भण लई की कीता? मन्नत। भिखू ने देखिया कि वह पेड़ हरा भरा है तो उसनू लगा कि उत्ते पानी जरूर होवेगा। उसने सूरज की दिशा देखी तो उत्ते गड्ढा उत्ते उसकी सार गड्ढा खोदन लग गया तो थले पानी सी। उन्हें उत्ते डंगोरी नाल डंगोरी सोटी नाल सोटी दे नाल उस जगह नू ठकोर के देखिया ते उत्थों उन्हूं वह जगह पोली झापी। फिर उन्हें उत्थों जगह तो मिट्टी हिलाई तां थले पानी सी। वराचा खीर जानिया तो की भाव है? वराचा खीर जानिया तो की भाव है? इच्छावां पूरियां हो जानी बहुत खुश होना। एक वराचा खीर जानिया बहुत खुश होना। जो भिखू दे परिवार ने उत्थे पानी नू देखिया ता उना दिया दो जड़ा परिवार सीगा वह बहुत खुश होया सी। इसे लई उन्होंने उत्थे ही रहन दा फैसला कर लिया सी। भिखू दी पत्नी ने भिखू नू की करन तो रोकिया सी? जतिन। भिखू दी पत्नी ने उसनू रुख कटन तो रोकिया सी? हाँ, भिखू दी पत्नी ने उसनू रुख कटन तो रोकिया सी क्योंकि ओ समझदी सी कि उसे रुख दे करने ही उन्हां दे पूरे परिवार दी जान बचाई सी ते उन्हां नूं पीण लई पानी भी दित्ता सी। इसलिए वो जो दूसरे दिन उठ के भिखू दरखत कट रहा हुंदा आ तां ओह उसनूं अजिहा करन तो रोकदी है। फकीर ने किथे बैठ के पानी पीता सी? बोलो। हाँ, उस तारे दे सेक विच जिस तारे नू भिखू ने रुख कट के बनाया सीगा ओदी छां विच जिथे की सेक सी उथे बैठ के पानी पीता ते नाल ही ओने किया सीगा कि लगदा इस दुनिया विच हरियावल दे बीच मुक गए हन ते लोग जेड़े आ लगातार रुख कटी जा रहे हन। इस तरह तां तुहाडा नाश हो जावेगा, तुहाडा अंत जल्दी हो जावेगा। ठीक है। आलम ने की प्रण कीता सी? फकीर
फकीर दियां गल्लां सुन के आलम ने की प्राण कीता सी। महीर आलम ने यह प्रण किया सीगा कि वह अपने बड़े वडेरियां दी तरह रुख कटन वाला नहीं सगों रुख बीजन वाला बनेगा। इसलिए कहते कि वह जिधरों भी लंघता गया उत्थे वह हरियावल दे बीच सुटदा रहा। ये सीगे दोनों चैप्टर बेटा अपने, ठीक है। तुसी जेड़े इस तो अगले चैप्टर हैगे आ उद्यम करी जरूर कविता या, ठीक है। और उस तो बाद है पंजाबी लोक नाच गिद्दा लैसन नंबर 5 ते 11 लैसन नंबर 5 ते 11 तुसी सारिया ने कल रिवाइज करके आना आ। इस तरह ही थोड़े को सुनिया जाएगा तो बोर्ड पर लिखवाया जाएगा। क्लीयर सारियानों? Yes, ओके बेटा जी।